हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे जानसारी गढ़वाली यूट्यूब चैनल पे। और आज बना रही मैं पालक पनीर, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे और देखें मैं कैसे बना रही हूँ पालक पनीर। पनीर के लिए मैं इसे पहले उबालूंगी और उसके बाद उबाल के मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी। तो मैंने इसे प्रेशर में रख दिया है, तो मैं इसको उबालूंगी, क्योंकि अगर इसे उबालते नहीं तो थोड़ा इसकी जो पालक है तो पालक फिर अच्छी नहीं लगती कच्ची। तो वैसे शायद कोई नहीं इसे बनाते होंगे, उबाल के ही पालक पनीर बनाते होंगे, तो मैं भी इसे पहले उबालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, कि जब उबालते हैं कोई भी चीज़ उबालते हैं तो उसमें थोड़ा नमक ऐड ही करते हैं, कि उबालते समय नमक ज़रूर छोड़ना चाहिए, तभी ये सब्ज़ी वगैरह में अच्छी तरह मिल जाता है। फिर मैं इसमें पानी छोड़ दिया, फिर मैं इसे मैंने गैस जला दिया है, फिर मैं गैस के ऊपर प्रेशर रख दूंगी और फिर इसके एक ही सीटी से मारूंगी, क्योंकि ये एक सीटी में ही पक जाता है। पालक है हरी सब्जी, तो हरी सब्जी जल्दी पक जाती है, तो मैं इसमें सीटी भी नहीं मारूंगी, ऐसे सुनिश्चित की आवाज़ आएगी उसी में मैं इसे बंद कर दूंगी। आवाज आ गई तो मैं गैस को अब बंद कर दूंगी। इसमें सीटी मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसी में ये पक जाता है। ये हरी सब्जी होती है, हरी सब्जी जल्दी पक जाती है, तो मैं भी इसमें सीटी नहीं मारूंगी, ऐसे इसे बंद कर दूंगी। पनीर है, इसके मैं छोटे छोटे पीस काटूंगी, छोटे छोटे पीस पनीर भी मैंने छोटे छोटे पीस काट दिए। ये देखो छोटे छोटे पीस काट दिए। फिर मैं इसको पहले तलूंगी, तो तेल भी गर्म हो गया इधर और पनीर भी, तो मैं इसको तेल में डाल दूँगी। पनीर थोड़ा हल्के हल्के से ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से ब्राउन होने चाहिए, तभी ये पनीर अच्छे लगते हैं। तो जब तक ये इधर फ्राई होते हैं तब तक मैं पालक को पीसती हूँ। पालक पीस लिया है, तो बहुत ही अच्छा पीसा हुआ है, तो इधर पनीर भी फ्राई हो गया, तो मैं पनीर को अभी इधर निकालती हूँ। पनीर को मैं अब इधर निकालती हूँ। गर्म ये है और इसमें डालूंगी मैं जीरा धनिया, ये भून के पीसा हुआ मेरा मिक्सी में। तो मेरे बच्चे ना धनिया बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इसे पहले भूनती हूँ जीरे को और धनिया को, सिर्फ मेथी के दाने, फिर मिक्सी में मोटा सा मिक्सी में पीस लेती हूँ और फिर मैं डिब्बे में रख देती हूँ। तो जब तक हमारा छौंका इधर तैयार होता है, प्याज वगैरह ब्राउन कलर के होते हैं, तब तक मैं अभी मसाले पीसती हूँ। मैं कच्चा नारियल है, थोड़ा मैं इसमें कच्चा नारियल भी डालूंगी और मैं इसे पीसूंगी, इसको पीस लूँ। मसाला भी हमारा पीस लिया है और छौंका भी हमारा इधर तैयार होने वाला है। प्याज हमारे ब्राउन कलर के होने चाहिए, तभी अच्छे लगते हैं, और छौंके में भी कलर अच्छा आता है ब्राउन कलर प्याज में। तो ये जब तक ब्राउन होते हैं, ये ब्राउन होने पीस दिया मसाला, मतलब टमाटर प्याज और कच्चा नारियल, और ये है पालक भी मैंने पीस दिया, पनीर भी फ्राई हो रखा और हमारा छौंका भी तैयार हो गया। तो इसमें डालती हूँ मसाला, ये पीसा हुआ है ये मैं इसमें डालती हूँ। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है, इसको मैं अच्छी तरह मिलाऊंगी, और ये पीसा हुआ नमक, हरी मिर्च वाला नमक, लहसुन वाला, इसको मिलाऊंगी अच्छी तरह मिलाऊंगी। ये हमारा पिसा हुआ नमक, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया वाला नमक, तो इसको मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी। आप जितनी अच्छी तरह मसाला पकाओगे उतनी ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो मैं इस मसाले को पहले पकाऊंगी, फिर मैं इसमें पनीर डालूंगी और पालक डालूंगी। तो पहले मैं इस मसाले को पकने दूँगी थोड़ी देर। देखो मसाला हमारा पकने वाला है, क्योंकि मसाला हमारा तेल छोड़ गया, तो समझो कि मसाला पक गया, मसाला हमारा तैयार हो गया। इसके बाद छोड़ती हूँ मैं इसमें पालक, पालक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो पालक को थोड़ी देर में मसाले में पकाऊंगी। पालक को इसमें मिला दिया है, इसमें ऐड कर दिया है मसाले में, तो मैं इसको थोड़ी देर इसको मसाले के साथ घुमाऊंगी और इसे थोड़ी देर पकने के लिए रहने दूंगी। उसके बाद ये हमारा अच्छी तरह मसाले के साथ मिल गया है, फिर डालूंगी इसमें पनीर, जैसे मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, पनीर डालूंगी, पनीर को अच्छी तरह इसके साथ घुमाऊंगी। इसको थोड़ी देर में ढक के रख दूंगी और आँच को मैं बहुत ही कम कर दूंगी, ढक्कन में खोल दूँगी थोड़ी देर। पालक पनीर बनके हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह बना हुआ है। ये देखो आप, आपको मैं दिखाती हूँ, नज़दीक से दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह बना हुआ है। और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाना, आपके बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करते हैं और आपके बच्चे भी इसे पसंद करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट्स लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। Bye-bye.